विश्व में चल रहे तनावों और युद्धों को देखते हुए लगभग सभी देश अपनी रक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगे हैं। युद्ध में शामिल देश तो अपने सैन्य हथियारों, उपकरणों और सैनिकों की व्यवस्थाओं को बेहतर बना ही रहे हैं, उनके अलावा वो देश भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से युद्ध में शामिल देशों से जुड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सभी देश अपने प्रतिद्वंदी या दुश्मन की सैन्य गतिविधियों पर नजर भी बनाए हुए हैं। अब अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रूस की सैन्य योजनाओं को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने रूस की 9M730 बुरेवेस्टनिक के तैनाती वाली जगह की पहचान की है। इस मिसाइल को नेटो ग्रुप SSC-X9 स्काईफॉल कहता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि रूस इस मिसाइल को एक न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज के पास तैनात करेगा। 26 जुलाई को एक अन्य लैब्स द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों से भी साइट के स्थान और निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। 26 जुलाई को एक दूसरे लैब में कैप्चर की गई तस्वीरों से भी साइट के स्थान और निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल को जल्द ही रूसी स्ट्रेटेजिक फोर्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये फोर्स परमाणु शस्त्रागार के लिए जिम्मेदार रूसी सेना की एक ब्रांच है। ये वर्तमान में रूस की एकमात्र बड़ी फिक्स्ड मिसाइल सिस्टम है जिसे डेवलप किया जा रहा है। इससे शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि खोजी गई नई साइट इसी की तैनाती के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि बुरेवेस्टनिक मिसाइल अपग्रेडेड हथियारों के एक समूह का हिस्सा है जिसका अनावरण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में किया था। इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ये अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को चकमा देने की क्षमता रखती है। हालांकि इस मामले के जानकार एक साइंटिस्ट ने सैटेलाइट इमेजरी की समीक्षा की और कहा कि साइट की विशेषताएं तो मिसाइल तैनाती के हिसाब से ही है, लेकिन मिसाइल लॉन्च साइट को परमाणु हथियार स्टोरेज के इतने करीब रखना उचित नहीं लगता। इस वजह से उस साइट में मिसाइल तैनाती की योजना बहुत हजम नहीं हो रही है। हालांकि असीमित दूरी तक मार करने में सक्षम इस रूसी मिसाइल की काफी चर्चा भी होती रही है और इसकी कमियों की आलोचना भी हुई है। अमेरिकी अधिकारी इसे रेडिएशन उगलने वाली और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बताते हुए इसकी आलोचना करते हैं और इसे उड़ता हुआ चेर्नोबिल बताते हैं। रूस के लिहाज से देखें तो यदि ये मिसाइल सफलतापूर्वक तैनात की जाती है तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये एक बड़ी प्रगति होगी। अपने आप में अनोखे प्रोपल्शन को इस्तेमाल करने वाली ये पहली ऑपरेशनल मिसाइल होगी।